सो गाइस, आप देख सकते हैं ये है इंडियन फ्लैग जिसको हम पका रहे हैं। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, हम बना रहे हैं चौमियन। तो ये है शिमला मिर्च, बंद गोभी, चिकन और कैरेट गाजर। अब इसमें हम जो पास्ता है यानी कि स्पैगेटी है वो ऐड करेंगे, फिर और सॉसें ऐड करेंगे जिसमें आ गया सोया सॉस, ठीक है जनाब, सोया सॉस, ठीक है। सिरका और चिली सॉस फ्रेंड, और मिसाला जो हमने चिकन पकाई है उसके अंदर हमने चिकन के अंदर चाइना नमक, सादा नमक और काली मिर्चें ऐड की थी, ठीक है। अभी इसको मिक्स किया जा रहा है, मिक्सअप करके। अच्छा, इसका खाने का बड़ा मज़ा है लेकिन इसकी सब्ज़ी काटने में बड़ा टाइम लगता है फ्रेंड्स। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ी थोड़ी करके इसमें स्पैगेटी ऐड करें। ये देखें फ्रेंड्स, डिलीशियस एंड टेस्टी स्पैगेटी मेकिंग एट होम, ज़बरदस्त। और अम्मी बना रही हैं, ठीक है। इंग्लिश रेसिपी, सॉरी इंग्लिश नहीं, चाइनीज़ रेसिपी एट होम, मेकिंग एट होम। आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्सअप कर लेते हैं, और टेस्टी सब्ज़ी वाली सीमियाँ भी कह सकते हैं हम लोग, और जिनको पता है तो भाई ये पास्ता भी कहते हैं, चौमैन भी कहते हैं, स्पैगेटी भी कहते हैं, ठीक है। हर बंदा अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नामों से बुलाते हैं इन्हें हम लोग। अच्छा, बच्चे नहीं हैं हमारे, नहीं तो वो अलग ही आपको इस पर तबसरा देते और तज्जिया करते हैं, वो बच्चे स्कूल हैं तो जब ये खाएंगे तो फिर बच्चे आ ही जाएंगे। आपको बनाने का तरीका बता दिया है। अच्छा, स्पैगेटी जो है बॉईल करनी है, इतनी बॉईल करनी है कि वो नरम हो जाए, और जब वो आप बॉईल करके उसको ठंडा पानी गिराएं, ठंडे पानी के फ़ौरन बाद आप उसमें ऑयल डाल लें तो ज़्यादा मज़ा हो जाएगा। ऑयल डाल के आप उसको एक बार हिला लें, स्पैगेटी जो है यानी कि नूडल जो है। गाइस, ये आज की रेसिपी थी हमारी, मैंने बोला क्यों ना आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर दी जाए।